हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, अच्छी खासी पढ़ाइयाँ चल रही होंगी, सब अपनी मेहनत में लगे होंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आए जाए। करना भी चाहिए, पेपर अब आने वाला है, बोर्ड का पेपर। आपके 2-3 महीने बाद सबके पेपर शुरू हो जाएंगे, तो अब जम के लग जाइए। जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको प्रिपरेशन कीजिए। सारे टॉपिक को दोबारा रिविज़न कर डालिए। काफ़ी टाइम से अभी हम लेक्चर नहीं डाल पाए थे, लेकिन फिर से अब कंटिन्यू करते हैं और जो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लेक्चर हम डालना शुरू कर देते हैं। फिर सीरियल से लेक्चर आपके पढ़ते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपका। पहले आज हम टॉपिक डालते हैं मैथ का। मैथ में जो अगर आप पुराना लेक्चर उठा के देखें तो इंटीग्रेशन के सारे टॉपिक हमने डाल रखे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के नहीं डाले थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में यानी जिनकी लिमिट मालूम हो उसके टॉपिक हम लोगों ने नहीं डाले थे। 3-4 एक्सरसाइजें हैं इसकी, जिसमें एक एक्सरसाइज इसकी है प्रॉपर्टीज रिलेटेड, यानी इसकी प्रॉपर्टी की कंडीशन लगती है उससे रिलेटेड। उसके क्वेश्चन आपके किसी भी बोर्ड के हों उसमें आते जरूर हैं, चाहे वो यूपी, सीबीएसई, एसएससी कोई भी बोर्ड हो, उसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिलहाल अगर शुरू कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन तो शुरुआत से ही लेकर चलते हैं, लिमिट वाला पार्ट लेकर देखते हैं। कुछ एक दो लेक्चर उसके डाले हुए हैं, लेकिन शुरुआत से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बता देते हैं कि टॉपिक लिमिट कैसे पुट की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में या अगले लेक्चर में हम आपको जो है उसके अगले लेक्चर में हम आपको प्रॉपर्टीज की कंडीशन भी पढ़ा देंगे। तो शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम लोग देखें डेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक को देखें तो उसमें हम लोग जानते हैं जिनकी लिमिट मालूम है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें लिमिट मालूम होती है, लिमिट यानी लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, यानी लोअर लिमिट का कैपिटल ए लिख लिया, अपर लिमिट का यू लिख दिया, और करना रहता है हमें इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करना रहता है, इंटीग्रेशन सब वही करेंगे जो हम लोगों ने इनडेफिनेट में पढ़ा है। आप लोगों ने जो जितने भी इनडेफिनेट में पढ़े इंटीग्रेशन से, चाहे वो आपका पार्शियल हो या बाय पार्ट हो या आपका बेसिक हो, कोई भी सिंपल वाला हो, जैसे भी किया जाए, सारे इंटीग्रेशन इसमें यूज हो सकते हैं। और लिमिट दी जाती है, बस लिमिट पुट की जाती है। इनडेफिनेट की कहानी ये होती है कि इनडेफिनेट में हम लोग को लिमिट नहीं दी जाती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं आखिरी में सी लगा देते हैं, सी लिख देते हैं। यहां पर हमें लिमिट दी गई है, उस लिमिट को जो आपकी लास्ट में वैल्यू आएगी उसमें पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे जो आंसर आएगा उसका मेन आंसर वही कहलाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि यहां पे हमने लिखा लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इसका एफ डैश एक्स का मान लिया, इंटीग्रेशन आ गया हमारा एफ एक्स। लोअर लिमिट हमारी एल है, अपर लिमिट यू है, ऊपर लिखा है, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं यानी एफ यू लिखते हैं, बीच में साइन माइनस का लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लगा देते हैं एफ एल। ये इसका आंसर आ जाता है। ये छोटा सा फॉर्मूला करने का तरीका बताया है। एग्जांपल देखिए क्वेश्चन कैसे होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, शुरुआत तो इजी सी होती है। मान लीजिए लिमिट आपकी दे दी गई है यहां पे 2 और यहां पे दे दी गई है 5 और यहां लिखा हुआ है x की पावर 3 dx। कहा इन्होंने कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा रखा है, फॉर्मूले सारे मालूम है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1। जो लोअर लिमिट है वो नीचे लिखा, जो अपर लिमिट है वो ऊपर लिखा। अब यहां पे इसका सॉल्व करके देखा गया x की पावर 4 अपॉन में 4, यहां 2 एंड 5 हो गया, ओके। 1/4 को बाहर कर दो, पहले अपर लिमिट को पुट करो, जहां 5 जहां x लिखा है वहां पे अपर लिमिट पुट करें, यानी 5 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/4, 1/4 5 की पावर 4 का मतलब है 625 माइनस 2 की पावर 4 का मतलब है 16, यानी इसका मेन आंसर आ गया 609 अपॉन में 4। ठीक, एक एग्जांपल ले लीजिए, इसके हिसाब से इसका आंसर
निकाला जा सकता है जिसकी डिफिनिट वैल्यू आती है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसके टाइप कर दिया जाएगा उसको ऐसे ही किया जाएगा। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक देखिए, जैसे कि क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। हमें क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन यहां दिया गया, जीरो से वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आपके तुरंत दिमाग में आ गया होगा, जिन्होंने इनडिफिनिट के सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तुरंत आ गया होगा कि सर ये तो फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का होता है। हाँ बेटा सही कह रहे हो, वही होता है, इसमें कोई गलत नहीं, ये साइन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग साइन इनवर्स एक्स से ही लिखेंगे। लिमिट को बस पुट करना है, सी को हटा के लिमिट रखना है। यहां जीरो लिखा, यहां पे वन लिखा। अब अपर लिमिट हमारे पास है वन, लोअर लिमिट है जीरो, दोनों लिमिट को यहां पुट कर दो। साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स जीरो। जब साइन इनवर्स वन है तो वन साइन में पूरे साइन का जो आपके टेबल होती है उसमें आप देखें तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो से शुरू होकर वन तक की जाती है। माइनस वन से वन होती है लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से वन में देखी जा सकती है। साइन 90 का मान वन होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है, इसी के बीच में सारे मान पाए जाते हैं। तो अगर हम यहां वन लिखा है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू लिखा जा सकता है। ठीक बच्चा, लिख दिया। साइन इनवर्स जीरो किसका होता है, साइन जीरो का होता है। आंसर पाई बाय टू माइनस जीरो यानी पाई बाय टू। ठीक है, निकल गया। अरे वाह, आप लोगों ने पहले निकाल लिया, चलिए ठीक। अगला इंटीग्रेशन में यानी ऐसे हुआ तो कर लिया गया, पॉज करके नोट कर लिएगा जिन्होंने नहीं लिखाया तो। आगे देखा जाए, रफ कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन हमें दे दिया गया यहां पे। अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कर रहे, सिर्फ फॉर्मूले बेस में लिमिट कैसे पुट की जाती है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो हमें डायरेक्ट सॉल्व करके निकालना हो। जैसे हमें दे दिया गया यहां पे 2x स्क्वायर या 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7 जीरो से 1 dx, कहा गया इंटीग्रेट कीजिए, ये डेफिनेट में दे दिया। तो हम पहले अलग अलग इसको लिख देंगे, ये प्लस के साइन के साथ है या माइनस का साइन होगा, अलग अलग लिख देना। 0 से 1 2x की पावर 3 dx, बीच में प्लस 0 से 1 3x dx प्लस 0 से 1 7 dx, ये लिखा गया। इसका 2 बाहर कर देंगे, इंटीग्रेट करने के लिए 0 से 1 x क्यूब dx कर दिया। इसका 3 बाहर कर देंगे, 0 से 1 x dx कर देंगे। इसका 7 बाहर कर देंगे, बाई 1 dx कर लिख देंगे, नहीं भी करेंगे तभी 7x लिखा जाएगा। ये 2 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4 बाई 4 आता है ना, x की पावर n वाला फॉर्मूला, प्लस 3 x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, सब लिमिट लिखते चल रहे हैं, प्लस 7 x 0 से 1। ये 4 को बाहर कर देना, 2 बाई 4, अपर लिमिट 1 रखा, 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 3 बाय 2 रहने दिया, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट 1 क्या पुट किया, फिर लोअर लिमिट पुट कर दिया, फिर प्लस 7 एक्स के यहां पे 1 माइनस 0 लिखा गया। क्या आंसर आ गया, यहां कर देते हैं, क्या आंसर आ गया, 2 बाय 4 कट के तो यहां पहले 1 बाय 2 हुआ था, ये 1 बाय 2 है, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। आगे बढ़ें, 3 बाय 2 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 7 1 माइनस 0 यानी 1 बचा।
यानी 1/2 प्लस 3/2 प्लस 7, ये 4/2 हो जा रहे, यानी 2 प्लस 7, यानी आंसर आपका 9 आ गया। इस टाइप से इसके इंटीग्रेशंस किए जाते हैं। जो भी आपने डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े हैं उन्हीं रूल को लगाना है, बस लास्ट में लिमिट को पुट कर देना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, सबट्रैक्शन मेथड से भी बता देते हैं, फिर आप अपनी अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, कराएंगे उसको। हाँ, पास करके नोट कर लीजिएगा। मान लिया, ऐसा कुछ माना कि हमें दे रखा है इंटीग्रेशन में 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक। हाँ, मुस्कुराहट आ गई, इससे सीधे सीधे फॉर्मूला दिख रहा है। अरे सर, सीधे सीधे फॉर्मूला इसमें कोई है ही क्या? हाँ बेटा, कुछ नहीं है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स। तो पहले डायरेक्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन लिखा टेन इनवर्स एक्स, जो फॉर्मूला होता वो लिख दिया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इनफाइनाइट। अब जहां एक्स है वहां पे अपर लिमिट रख देंगे पहले, फिर माइनस में लोअर लिमिट रख देंगे। इनफाइनाइट 10 में किसका होता है, तो कहोगे 10 पाई बाय 2 का मान इनफाइनाइट होता है, यहां ये 10 0 का मान 0 होता है। ये लिखा ही इसलिए जा रहा है क्योंकि हम 10 इनवर्स से 10 को हटा दें, बचा क्या, पाई बाय 2 माइनस 0, यानी आंसर आ गया पाई बाय 2। एनी डाउट? इजी है ना, अभी तो बहुत इजी से चल रहे हैं। चलिए इसको भी रफ करते हैं। अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाए, यहां थोड़ा आपका लॉजिक आ जाता है। लॉजिक ये आ जाता है कि आप लिमिट बदल के भी कर सकते हैं, बिना लिमिट बदले भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और इसकी लिमिट दे दी इन्होंने यहां पे 0 से 2, मान लिया 0 से 2 इसकी लिमिट दे दी, क्लियर। 0 से 2 एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, 0 से 2 इसकी लिमिट दे दी। अब भाई साहब क्या किया जाए, क्या दो मेथड जा सकता है। पहले एक काम ये करो जो करना है, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी लेट कर लें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये रूल होता है कि देखते हैं क्या किसी को टी लेट करने पे दूसरा जा रहा है या हट जा रहा है, तो उसको टी लेट कर लेते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में, अगर न्यूमेरेटर की पावर डिनोमिनेटर से एक छोटी है तो उसको पूरे को टी लेट करो, ऊपर वाला कट जाएगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करें, एक्स कट जाएगा, क्लियर। तो अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर रहे हैं तो हमारा डीएक्स भी डीटी होना चाहिए। इसका 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका डीटी अपॉन डीएक्स। तो कंडीशन ये 0 प्लस 2x, यहां डीटी अपॉन डीएक्स, और डीएक्स बराबर आ गया डीटी अपॉन 2x, ये आ गया। अब यहां से आप एक मेथड ये यूज कर सकते हैं, दूसरा मेथड यहां यूज करेंगे, एक मेथड ये यूज कर सकते हैं, मेथड नंबर 1, खुली छूट है, दोनों में से कोई मेथड यूज करो, कोई गलती नहीं है। dx अपॉन dt अपॉन 2x, जब हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लिया, dx को dt बना लिया, तो जो ये लिमिट लिखी हुई है वो भी तो x की है, इसको हम लोग t की लिमिट बना लें, इसको हम लोग t की लिमिट लेट कर लें। तो चलिए t की लिमिट बना लेते हैं। लिखा क्या माना गया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्टूटी था, पहले x की जगह पे 0 रखो, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर इसका स्टूटी, t की लिमिट पहली 1 आ गई।
दूसरी टी की लिमिट क्या आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका टू टी था, 1 प्लस एक्स की यहां पे हम की बात 2 रख देते हैं, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर इसका टू टी यानी 5 आ जाएगी। टी की जो लिमिट इसके अकॉर्डिंग बनेगी वो 1 से 5 बनेगी, 1 से 5। अब सारी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, इसके बाद सारी कंडीशन को यहां पुट करते हैं, जैसे जैसे जो है लिमिट, पहले टी की लिखा, टी की लिमिट लोअर लिमिट यहां 0 थी तब इसकी 1 आई, तो 1 से 5 जो पर एक्स लिखा है रहने तो कट जाएगा भी, इसको पूरे को टी लेट किया, टी लिखा डी टी अपॉन में 2x, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन टू तो ये है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, पढ़ा है लॉग टी, और लॉग टी जो होगा लिमिट यहां 1 से 5 है तो एक बार लॉग 5 रख देना डायरेक्ट लिमिट, क्योंकि हमने टी की लिमिट चेंज कर ली है, तो टी की लिमिट पुट करेंगे लॉग 5 माइनस लॉग 1, तो आंसर आ गया 1/2 लॉग 5। ये पहला मेथड है कि हम लिमिट को भी चेंज करके कर सकते हैं। एनी डाउट? चलिए ठीक, नहीं समझ में आया तो अभी कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे भी हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। सेकंड लिमिट कहो कि अरे सर हटाइए लिमिट उमिट नहीं चेंज करना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट बताइए, तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 1 इसी पे बात की करता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि लिमिट को बिना बदले हम चाहें सब्स्टिट्यूट लगा के फिर से उसको वापस चेंज करके उसमें लिमिट रख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे ये है कि जो हमें लिमिट दी गई उसको वही रहने दो, को हम ये इसको नहीं बदलेंगे, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसको हम वही रख लेंगे बाद में। एक्स को एक्स रहने दो, इसको टी लेट किया गया यहां से, यहां पे टी लिख दें और डी टी अपॉन 2x लिख दें, ये एक्स एक्स काट दिया 1/2 बाहर आ गया, यहां पे इंटीग्रेशन आ गया लॉग टी 0 से 2, इतना आ गया सर, इतना सही है। चलिए ठीक, अब लेकिन ये लिमिट चाहे हम 2 उठा के डायरेक्ट इसमें रखना तो नहीं रख सकते, क्योंकि यहां लिखा हुआ है टी और ये लिमिट जो दी गई है वो है एक्स की, तो अब इसको पहले हमें एक्स बनाना पड़ेगा, वो बनाने के में क्या कितना आसानी है, देखिए जहां पे जो माना था फिर से वही लिख दो, हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही तो माना था, इसी के यहां पर तो टी रखा था तो उसको रख दिया, अब एक बार 2 रख दो एक बार 0 रख दो, 1/2 लॉग 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस 0 का स्क्वायर, यानी आंसर आ गया आपका 1/2 लॉग 5। है इसी लिमिट पुट करके कैसे किया जाएगा वो आसानी से निकल आएगा, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं, इसको नोट कर लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी को हम थोड़ा और कर देते, क्या लिखते हैं, 0 से 1 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एक्स की पावर 4 डी एक्स। अगर ये एक्स क्यूब होता है, सिर्फ एक नंबर छोटा होता तो हम पूरे को टी मानते और इस एक्स क्यूब को काट देते, यानी 4 से अगर एक नंबर कम होता तो पूरे को टी मानना रहता है और उसके बाद उसका डिफरेंशिएट करते हैं वो कट जाता है, लेकिन यहां पे तो 1 है यहां पे 4 पावर है, तो अगर हम एक्स की पावर 4 को टी मानेंगे भी तो क्यूब आएगा वो बचा रह जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं लग पाएगा, इससे एक बड़ी पावर को खाली टी माना जा सकता है, यानी यहां 1 है तो हम यहां 2 को माने, है ना। चलिए तो इसको 2 कैसे बनाएंगे, 0 से 1 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। ओहो आ गया, ध्यान में दौड़ने लगा कि हाँ अब क्या हो गया, अब तो बन गया मामला, एक्स स्क्वायर को टी माने एक्स कटेगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, टेन इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है हमारा, इजी है।
यानी हम एक्स स्क्वायर को टी लेट करें तो यहां पे आया आपका डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू एक्स, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब अगर आप लिमिट बदल के करना चाहते हैं तो करें, नहीं बदल के करना चाहते तो जीरो से वन, यहां एक्स, यहां वन प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन में टू एक्स, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, एक्स से एक्स काट दिया, वन बाय टू को बाहर कर देना, वन बाय टू बाहर कर दिया, जीरो से वन, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, वन प्लस टी स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला है, वन बाय टू जीरो से वन फॉर्मूला रख ही देते हैं, टेन इनवर्स टी जीरो से वन। अब भाई साहब यहां पे लिमिट तो हम ये पुट नहीं कर सकते, लिमिट इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि लिमिट किसकी है, लिमिट है ये x की, और यहां पे हमने t मान रखा है, तो इसकी जगह पहले रख देते हैं वन बाय टू टेन इनवर्स t की जगह पे क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब पुट करो, अब जहां x है वहां क्या रख दें, टेन इनवर्स वन का स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स जीरो, यानी वन बाय टू टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर, वन किसका होता है पैंतालीस, वन का स्क्वायर वन ही होगा, अगर चाहो तो पहले लिख लेंगे और लिख लेना, वन लिख लेना, टेन पाई बाय फोर, और ये टेन इनवर्स ये टेन जीरो, यहां सिर्फ बचा हमारा वन बाय टू पाई बाय फोर माइनस जीरो, यानी कि पाई बाय एट आंसर आ गया, पाई बाय एट आंसर आ गया इसका, ठीक है। इस हिसाब से इसको आसानी से लगाया जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो उसको बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं, रफ कर दे इसको, दिया गया 0 से 1 x tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाय टू डी एक्स, 3 बाय टू डी एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए पहले इसी करते हैं, छोड़ा छोटा सा करें, 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय टू डी एक्स, यह आ गया, यह हमें मिला 0 से 1 दिया गया। अब यहां पे अभी एक एक्स हटा दिया, एक एक्स इसलिए हटा दिया क्योंकि अभी वो रखेंगे तो बाय पार्ट का मेथड और बढ़ जाएगा। पहले टेन इनवर्स एक्स को टी लेट करो, अगर टेन इनवर्स एक्स टी था तो एक्स हमारा टेन टी हो जाएगा, जहां एक्स लिखा होगा वहां पे टेन टी लिखाएगा, तो ये dx हमारा sec स्क्वायर t dt हो जाएगा, अगर इसका डिफरेंशिएट करें तो sec स्क्वायर होता है, तो dx अपॉन dt, dt इधर चला गया, ये sec स्क्वायर t dt हो जाएगा। अब क्या मिला, थोड़ा इधर करके लिखे, क्या इधर से लिखे, tan इनवर्स x को t लेट किया, x इसका स्क्वायर आपका tan t हुआ, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे dx इक्वल टू sec स्क्वायर t dt हो गया। लिमिट नहीं बदल रहे हो तो ना बदलो, बदलने का मन कर रहा है तो बदल दो, 0 से पाई बाय 4 हो जाएगी, 0 से 1 जहां tan इनवर्स x लिखा वहां t लिख दिया, अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर या 1 प्लस tan स्क्वायर t, टेन स्क्वायर टी की होल पावर 3 बाय टू और सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी
डीटी। अब इसका 1 + tan²t क्या होता है, तो तुम्हें मालूम है sec²t होता है। ये sec²t की होल पावर 3/2 sec²t dt हो गया, यानी स्क्वायर से स्क्वायर गया क्यूब हो गया, यानी 0 से 1 t sec³t हो गया ये, और यहां पे sec²t dt आ गया। 1 sec³t से 1 कट गया, सिर्फ बचा 0 से 1 t sec⁡t अपॉन sec⁡t। भाई साहब जिससे बचना चाह रहे थे अभी वही आ गया, बाईपार्ट आ गया, अब आ गया तो लगा दिया जाता है 0 से 1 t cos⁡t dt, टी कॉस टी डी टी, बाईपार्ट आ गया। बाईपार्ट आ गया तो बाईपार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि आइलेट कंडीशन होती है, और आइलेट कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले इनवर्स, फिर आपका आइलेट लॉगरिथमिक, उसके बाद फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल, फिर एक्सपोनेंशियल। इनमें सीरियल से देखा जाता है, उसमें F1 एंड F2 मानते हैं। बाईपार्ट के लेक्चर आप पढ़ेंगे, देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो टी हमारा एल्जेब्रिक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो अगर आइलेट को याद रखें, आइलेट को याद रखें तो कहेंगे एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री से पहले आता है, तो F1 इसी को मानना पड़ेगा टी को। तो टी को फर्स्ट फंक्शन मानो, कॉस टी डी टी माइनस का d/dt टी कॉस टी डी टी का होल डी टी, लिमिट कहीं नहीं लिखा भी, इकट्ठे जहां होता जाएगा करते जाएंगे। टी कॉस टी का होता है साइन टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, इसका काम हो गया इसलिए लिख दिया। यहां 1 dt का 1 आ गया, और फिर से ये साइन टी। अब यहां खाली एक ही फंक्शन बचा इसलिए लिमिट लिख दिया, ठीक है, नोट कर लिया लिसे। तो इधर फिर इसका क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। नोट हो गया, चलिए आगे देखिए, इसमें इसको हम रफ कर देते हैं। हाँ बच्चा, अब टी साइन टी 0 से 1 माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी 0 से 1 टी साइन टी। अच्छा अब यहां पे क्या हमने तुम्हें पहले बताया था कि जो ये लिमिट लिखी हुई है वो एक्स की लिखी है, टी की तो लिखी नहीं है, तो इन सब को चेंज करना पड़ेगा। इन सब को पहले हमें एक्स में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू तुमने माना था, हम लोगों ने माना था टेन इनवर्स एक्स, मिटा दिया हमने, ये टी माना था, यानी जहां जहां टी है वहां पे हमें फिर से टेन इनवर्स एक्स को चेंज कर देते। टेन इनवर्स एक्स टू टी मानता है, माना गया था हम लोगों ने, तो अगर जहां जहां आप टी है वहां पे टेन इनवर्स एक्स लिख देते हैं, तो यहां पे टी की जगह पे लिखा जाएगा, पहले टी की जगह पे लिखा जाएगा टेन इनवर्स एक्स साइन टेन इनवर्स एक्स 0 से 1 माइनस माइनस प्लस कॉस 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 टेन इनवर्स एक्स 0 से 1। अब जहां जहां एक्स है वहां पे हम लिमिट पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे टेन इनवर्स 1 साइन टेन इनवर्स 1, उसके बाद माइनस टेन इनवर्स 0 साइन टेन इनवर्स 0, पहले इसकी सारी लिमिट लिखा गई, ठीक, इसकी सारी लिमिट लिखा गई। अब दूसरा क्या है, कॉस वाला भी, प्लस कॉस टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस टेन इनवर्स 0। चलिए भाई देखें क्या मिलता है, बड़ा बवाल इकट्ठा हो गया है।
टेन इनवर्स वन ये पाई बाय फोर होता है, ये पाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर, पाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर, ये पूरी पाई बाय फोर हो गई वन की। माइनस जीरो जीरो साइन जीरो, काम खत्म इसका। प्लस कॉस पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर माइनस कॉस जीरो, ये तो मिला। ये पाई बाय फोर की साइन 45 का मान, साइन पाई बाय फोर का मान होता है 1 बाय रूट टू, ये तो जीरो हो गया, इसको भूल जाओ, खत्म करें इसको। प्लस कॉस पाई बाय फोर का मान भी 1 बाय रूट टू माइनस वन, यानी आंसर आ गया पाई बाय फोर रूट टू माइनस प्लस 1 बाय रूट टू माइनस वन। इस टाइप से इसके आंसर निकाले जा सकते हैं। जो जी वैल्यू दी जाए उसको पहले सॉल्व करिए, उसके बाद उसमें लिमिट पुट कर दीजिए, बाकी और कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। कोई डाउट तो बताएं। अब आप अपनी बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशंस की पहले एक्सरसाइज खोलिए, शुरुआत से आप लगाना शुरू करिए, इजी क्वेश्चन से धीरे धीरे बढ़ना शुरू कीजिए, एग्जाम्पल भी लगाइए, देखिए उसके बाद करते हुए चलिए। जो फंस रहे हैं आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन किसका, ये वाला बता दिए कैसे होगा, हम उसको बताएंगे। अगला लेक्चर जो हम बना के देंगे इस पर आपको, वो प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है, और जो क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछेंगे उसके ऊपर भी बना देंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।